नमस्कार, खास मुलाकात एमबीसीएन की पेशकश में मैं हूं रत्नाकर। एक ऐसे मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले जो बहुत ही ज्यादा एक ऐसे कंपनी से जुड़ा है, एक बड़े नाम से जुड़ा हुआ है। और हम अगर भारत देश की अगर बात करें तो हम भारत देश में हम देख रहे हैं कि कई घोटाले हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन जब इन घोटालों में अपने ही लोग शामिल हो, अपने ही लोग जब हमें अपना दर्द दे और सिर्फ पैसे के लिए अपने को दर्द दे, तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, वो तकलीफ कितनी आगे बढ़ सकती है। पैसा तो खैर कोई भी कमा लेगा, लेकिन पैसे के लालच में जब अपने धोखा दे देते हैं, घोटाले करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और ऐसी स्थिति में जब हमें न्याय नहीं मिलता, तो वो दर्द क्या होता है। इस दर्द को आपके सामने लाने के लिए मैं आज स्टूडियो में हमारे साथ में है मिसेस रजनी अग्रवाल, और मेरे साथ में है उनके सुपुत्र श्री अंकुश अग्रवाल जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बीसी न्यूज में। बातचीत के दौरान अंकुश जी और रजनी जी हमारी बात हुई थी कि प्लास्टो एक ऐसा नाम है जो अपने आप में बहुत बड़ा है, और आपके पिताजी मदन अग्रवाल जी ने इस एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना की थी, और आज एक समझ लीजिए प्रोसेस के दौरान उन्होंने विश्वास के साथ में कंपनी चलाने की जो पेशकश की थी, लेकिन आपके कुछ रिश्तेदारों ने आज उस पर सेन लगाकर फ्रॉड करके आज इस मुकाम पर ला चुका है, ला के खड़ा कर दिया है कि वो एक तकलीफ बन गई है। क्या बताना चाहेंगे आप? हमारे पिताजी मदन मोहन अग्रवाल जी ने जी 1981 से स्टार्ट किया है टैंक्स बनाने का काम। 1981 में उन्होंने अपने मेहनत से, अपने आइडिया से, तब मशीन्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी, फॉरेन कंट्रीज घूमते फिरते आइडिया को लाया, और इंडिया का सेकंड प्लांट था ये जो चालू किए प्लास्टो के नाम जी। 99 में उनको पैरालिसिस स्ट्रोक आया। पैरालिसिस स्ट्रोक के कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट थे महीने डेढ़ महीने तक। उसके बाद से उन्होंने कोई काम नहीं कर पाया क्योंकि ना बोल पाते थे, उनका कुछ ब्रेन का पार्ट भी निकाला गया ऑपरेशन के दौरान जी, जिसके कारण चलना फिरना बोलना उनका चला गया। मेरी माता जी उसी पे ध्यान रखी कि उनकी हेल्थ का ध्यान रखते रहे, और 2000 में मैं फॉरेन चला गया विदेश पढ़ाई के लिए, और उसी के बाद मैं वहाँ पे जॉब वॉब किया। जब 2012 में मैं आया तो मैंने देखा कि मम्मी मेरे मदर फादर के इनकम टैक्स भरने गया तो पता चला कि कुछ बैंक अकाउंट फर्जी खोले हैं और कुछ कंपनीज में भी घोटाले हो रहे हैं। तो उसकी और जानकारी जब निकालने गया तो दो बैंकों का सामने नाम आया, जिसमें एक PNB बैंक था जी। और एक नागपुर नागरिक सहकारी बैंक था। PNB बैंक हमारे माताजी पिताजी का अकाउंट खुला हुआ था, मगर इन्होंने फर्जी तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा के अपने घर का एड्रेस और सिग्नेचर चेंज कर लिए, जो सिग्नेचर मेरे फादर के नहीं है, मेरे मदर के भी नहीं है। ऐसे ही इन्होंने अकाउंट मेरे नाना नानी का भी खोला है और प्रॉपर्टीज बेचे हैं। 99 में उन्होंने एक खेत बेच प्लॉट बेचे है छिंदवाड़ा रोड का, जो करीबन 4-5 करोड़ का था। वो उन्होंने फर्जी साइन से, क्योंकि मेरे पिताजी तो हॉस्पिटल घर पे बेड पे थे जी, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे उस स्थिति में, पैरालाइज थे, तो बट ऑफ कोर्स कि वो कुछ 2005 में उन्होंने खेत बेचे 30 एकड़ का, कुछ 35-40 करोड़ का था। वो भी फर्जी तरीके से बेचा, उसका कुछ भी कंसिडरेशन बैंक अकाउंट में भी नहीं आया। फिर 2012 में जब हमने उनकी मीटिंग करी उनके साथ, उसके पहले जब मीटिंग के फोन किया था तो 6 महीना उन्होंने समय लगाया। 6 महीने के समय में उन्होंने जो बची हुई प्रॉपर्टीज थी वो अपनी पोती को बेचे, पोती से पैसा मेरे फादर के फोर्थ जो अकाउंट PNB में चल रहा था वहां आया, या नागपुर नागरिक पे, और वहां से घूम के वो श्रेया अग्रवाल के पास ही चला गया। मतलब जहां से पैसा आया था बस वहीं चला गया, ऐसा आपका चला गया, और प्रॉपर्टी भी उनकी हो गई। तो कोई ऐसा क्यों करेगा जी? मेरे पिताजी की तो समझ, चलो ड्यू टू पैरालिसिस स्ट्रोक उतनी नहीं थी, बट कोई भी इंसान अपने बच्चों को छोड़ के अपनी बीवी को अपनी जायदाद देगा कि किसी और को देगा? सही बात। जो उन्होंने हार्ड एंड मनी, हार्ड एंड प्रॉपर्टी कमाए थे इतने सालों से, जिसके लिए जो बुढ़ापे का सहारा बोलते हैं वो रखे थे, वो घर वालों ने ही धोखे से, यानी इतने क्लोज रिलेटिव होने से धोखाधड़ी की है। तो आज समाज से अच्छा ही तो गायब ही हो जाएगी अगर ऐसे ही होता रहा। और फिर हम न्यायाधीश के पास गए, हम कोर्ट में गए, मतलब पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के पास में आप गए न्याय मांगने के लिए। EOW में हमने केस किया, क्रिमिनल केस किया, बैंक में ऐसी फोर्जरी हुई है, इन्हें लोगों ने किया है, जो कि ललिता कुमारी का अपेक्स कोर्ट में क्लियर शट केस उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भैया एक हफ्ते के अंदर एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस का आपका FIR रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। उसके बाद भी 11 महीने होने के बावजूद हमारा रिपीटेटिव PI इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राजेंद्र पाटिल है, श्वेता केड़कर DCP मैम है, कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा क्यों समझ में नहीं आ रहा है?
रजनी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो आपके साथ में जो भी हुआ है, हाँ जी, आप क्या आरोप लगाती हैं? मतलब आप किस दृष्टिकोण से इस सारी घटना को देखती हैं? देखो, 99 में जब मेरे हस्बैंड को पहले अटैक आया जी, तब उन्होंने ऐसा धोखा कड़ी, मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि मेरे घर वाले मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह की धोखा कड़ी हमसे करेंगे कि फर्जी साइन करके सब हमारे अकाउंट्स ये वो सब उन्होंने ट्रांसफर कर दिए, पूरे फैक्ट्री के शेयर्स वगैरह उन्होंने धोखे से, उर्मिला अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, नीलेश अग्रवाल, वैभव अग्रवाल, इन्होंने सब अपने इसमें कर लिए और आज भी उनका ये धोखा चल रहा है। जब अंकुश जी आप बता रहे थे कि आपने उनके साथ में सेटलमेंट करने की कोशिश की, जब ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास में जाने से पहले आपने पहल की थी, तो उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला? 2012 में ही हमने बात किए थे, जिस दिन हमको पता चला कि हमारा कुछ अकाउंट्स वगैरह खोले गए हैं, हमारे आईटी भी भर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तुरंत पहले जो इन्वॉल्व है उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं और फैमिली का मैटर फैमिली में रह जाए, ऐसे दृष्टिकोण से मैंने उनसे मीटिंग किया। बट उनका यही कहना था कि उन्होंने पावर ऑफ कुछ गिफ्ट डीड्स लेकर आए थे जिसमें सभी आरोपियों के जो बेनिफिशियरीज है, मैं उनको आरोपी बोल रहा हूँ, तो उनकी साइन करी हुई थी वहां। उन्होंने बोला कि मेरे माता पिता ने साइन कर दीजिए जी, तो जितना भी जो उन्होंने पैसा घोटाला किया था वो पैसा अपने पास आ चुका था इनके, तो ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके थे। अब साइन करने से ये प्रूव हो जाता था कि भैया इन्होंने गिफ्ट दिया है, तो मैं बोला भैया हमने जो साइन किया है, आपने धोखे से जो साइन ली है या ना ली है, अब हम कोई साइन नहीं करेंगे, ये हम हमारे सीए को दिखाएंगे और अगर सीए हमारा परमिट करता है कि सब ठीक है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मगर वो डॉक्यूमेंट्स भी आज भी है और उसी बेसिस पे उन्होंने शायद अभी 2018 में 4 दिन पहले 2.25 करोड़ रुपए कुछ मेरे माता पिता के अकाउंट में विदाउट इनके नॉलेज, विदाउट इनके कंसेंट डाला, जो कि हमने 24 घंटे के अंदर इनको रिटर्न भी कर दिया। इन्होंने किस दृष्टिकोण से वो पैसा डाला, उन्होंने किसने हक दिया ऐसा इलीगल ट्रांजैक्शन करने का, और उनकी कभी हमारे से बातचीत हुई कि इस चर्चे में कि आप ये रुपए अपना सेटलमेंट हो रहा है या क्या था, आप किस कारण से पैसा डाल रहे हो 2.25 करोड़ कोई? मतलब आपका ये कहना है कि बगैर आपको इंटीमेशन दिए उन्होंने वो ट्रांजैक्शन कर दिया और शायद दिखाने के लिए कि आपसे सेटलमेंट कर रहे हैं, ऐसा आपका मानना है? डेफिनेटली ये क्लियर दिखता है। कुछ दिन पहले वो डीसीपी जोन 2 जाते हैं और वहां हमारी कंप्लेंट करते हैं कि अंकुश अग्रवाल और गौरव अग्रवाल उनसे खंडनी कर रहा है, दैट मींस एक्सट्रॉशन आई गेस। तो एक्सट्रॉशन के लिए जब आपने डाले हो, आप मुझको कॉल कर रहे हो रिपीटेडली, विशाल नीलेश अग्रवाल के मेरे पास 500 कॉल है, दिख रहा है उनको कॉल कर करके मुझे मीटिंग के लिए बुला रहे, और ऐसा एक्सट्रॉशन का केस जब मुझको सामने वाला कर रहा है उसके अकाउंट में आप क्यों डाल रहे हो पैसे, और वो रिटर्न हमने तो 24 घंटे के अंदर रिटर्न भी कर दिया आपको। अब इन बातों से थोड़ा आगे चलते हैं कि इस मैटर को फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास में लेके गए, जैसे आपने कहा कि आप कोर्ट में, फिर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में भी आप गए और फिर डीसीपी और सीपी साहब से भी मिले और अब आपने क्रिमिनल ऑफेंस भी फाइल किया है, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद हमें उपाध्याय सर से है, हम 2 दिन पहले उनसे मिले हैं, हमने उनको कंप्लेंट किए हैं कि सर ईओडब्ल्यू और आप सीतामढ़ी पुलिस दोनों कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व दिख रही है, इतना समय बीत चुका है, ललिता कुमारी का एग्जांपल दिया है कि अपेक्स कोर्ट बोला है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर डालना है 1 हफ्ते में, अभी तक वो नहीं हुआ है। पुलिस ऑफिसर्स मुझे कॉल करके हरास कर रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि इनसे मीटिंग किया जाए, सेटलमेंट कर लिया जाए, और पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है कि सेटलमेंट करवाना है जी। उसके बावजूद भी ये मैंने डीसीपी मैम को भी बोला है, डीसीपी चिन्मय पंडित जी को भी बोला है जी, और मैंने ये बात उपाध्याय जी के पास भी रखा है, बट ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुनने के लिए तैयार ही ना हो, जैसे किसी ने कोई अपना माइंड बना रखा है कि आरोपी को हमको हर हालत में बचाना ही है, ऐसा क्यों है, किस कारण से है, वो तो वही बेहतर जानते हैं। अंकुश जी, आने वाले समय में जैसा ये हुआ है, आप क्या प्रिकॉशंस आप चाहेंगे कि मतलब लिए जाने चाहिए सिस्टम की तरफ से या इस तरह, या आप ऐसा सोचते हैं कि ये ना ऐसा नहीं होने के पीछे क्या करेक्टिव एक्शंस पहले लिए जाते तो शायद ये नहीं होता? करेक्टिव एक्शंस हमारे लिए बोल रहे हैं कि आपकी सिस्टम के लिए, इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, इन जनरल सिस्टम में तो लूप होल्स रहते ही हैं, जो लोग अलग अलग प्रवृत्ति के रहते हैं, जिस काइंड के रहते हैं वो कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं,
अपने सीए के साथ बोलिए, लॉयर के साथ बोलिए, उनका दिमाग इसी चीज में दौड़ता रहता है जी। मतलब नो मैटर आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स लाइए, लाइक आप अभी वैट से जीएसटी में आए जी, मगर ये नहीं है कि जीएसटी में नहीं हो रही है चोरी, जीएसटी में भी चोरी हो रही है। तो लोग भी उतने होशियार रहते हैं, वो धीरे धीरे तरकीबें निकालते रहे। मतलब कानून बनने से पहले कानून को किस तरह से तोड़ा जाए, इस पर ज्यादा विश्लेषण अपने यहाँ पे होता है। रुपए, इंडिया में रुपए बहुत जोर शोर पे चलता है, वो इलेक्शंस हो, वो आम आदमी के साथ हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, आपको मालूम है कैसे कार्रवाई होती है पुलिस में, क्या होता है क्या नहीं होता है जी। तो जिसके पास पैसा है उसका बोलबाला रहता है, और ये आप क्लियर देख सकते हैं, इसलिए प्रेस में भी आ नहीं रहा है। क्यों बड़े बड़े प्रेस वाले छाप नहीं रहे? क्योंकि प्लास्टो ऐड देता है, करोड़ों लाखों की ऐड दी जा रही है, इसलिए कोई एक वर्ड नहीं छाप रहा है। नहीं तो सच्चाई के पीछे सच्चाई की न्यूज क्यों नहीं छापा जा रही है? आपका मुद्दा भी अपने जगह पे बिल्कुल सही, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हाल ही में बॉम्बे में, हाँ, वो प्लास्टो स्टाइल का एक केस था हमारा, जो प्लास्टो वालों ने डाले थे जी, तो वो भी हारे हैं, अभी कल ही हारे हैं वो। अच्छा। तो अब प्लास्टो स्टाइल के नाम से अब हमारे को ने आपत्ति नहीं है कोई, उसको आगे बेचेंगे वो नाम को भी। अच्छा अच्छा, मतलब किसी और ने वो प्लास्टो एक नाम विशाल अग्रवाल नहीं डाला था बॉम्बे में, तो उनके वकील ने वो केस उनको बोला कि मैं नहीं लड़ता, सब आपके इसमें झूठा लिखा हुआ है, इसने विड्रॉ हो गया, उन्होंने ले लिए केस। और कुछ आप इस केस के संदर्भ में या जो भी आपके साथ में जो वाकया हुआ है उसके ऊपर में कोई रोशनी आप डालना चाहते हैं? जल्दी से एक्शन लिए तो ठीक है, नहीं तो मैं 2019 में अनशन पे जाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। प्रशासन ने इस पे एक्शन लिया तो ठीक है, नहीं तो 2019 में मैं अनशन पे जरूर जाऊंगी। हमारे साथ में अंकुश जी और रजनी जी, जिन्होंने अपनी वाकया हमारे साथ में शेयर की हैं। सच मुझे बड़ा दर्द होता है कि जब कोई अपने ही अपने को दर्द दे जाते हैं, और पैसे के लिए ही सही, लेकिन जब रिश्तों के मायने बदल जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे जाते हैं। बस हम यहाँ पर यही उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय हो, और एक कहावत ये भी है कि जब जस्टिस डिले हो जाता है तो वो जस्टिस डिनाइड हो जाता है, तो ये जस्टिस सबके लिए बराबर है। रजनी जी एक वयस्क महिला है और उन्हें इस उम्र में अनशन करने को बैठना पड़े, ये बिल्कुल हमारे न्याय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। हम कामना करते हैं न्याय हो, सबके साथ में न्याय हो। धन्यवाद।